नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति प्रकाश और आप जुड़े हैं राजेंद्र फिल्म्स पर। साथियों, हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की। मीना कुमारी के बेहद छोटे से जीवन में फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने मात्र 38 ईयर्स के जीवन में 33 साल करियर को दिया और 92 यानी 92 फिल्मों में उन्होंने काम किया। वैसे मुख्य भूमिकाओं के अलावा उन्होंने कई चर्चित कैरेक्टर रोल भी निभाए। 70 के दशक में या कहें उनके जीवन के अंतिम पड़ाव के 5 फिल्मों में चरित्र भूमिका में भी उन्हें बहुत शोहरत मिली। ये फिल्में हैं 1970 में जवाब, जिसमें उनके साथ अशोक कुमार, जितेंद्र और लीना चंदावरकर थी। राजा भैया, बहुत राजा इतनी बड़ी ना? नहीं दीदी, अभी अभी आया हूँ। इसी साल आई फिल्म सात फेरे में मीना कुमारी के साथ प्रदीप कुमार और मुखरी मुख्य भूमिकाओं में थे। 1971 में गुलजार की बनाई फिल्म और शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना अभिनीत मेरे अपने में नानी माँ की भूमिका। बस कह दिया मुँह पर, हम भी क्यों चुप रहते, खूब झगड़ा हुआ उस रात। और 1971 में ही राजेश खन्ना मुमताज की फिल्म दुश्मन में उनका विधवा भाभी का किरदार भी लोगों के जहन में लंबे समय तक छाया रहा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। साल 1972 में सावन कुमार टाप द्वारा निर्देशित गोमती के किनारे में मीना कुमारी, संजय खान और मुमताज ने अभिनय किया। यह फिल्म मीना कुमारी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1972 को रिलीज हुई थी। जब तू बड़ा होगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, तब तू इन सबको बटोर ले। वैसे फिल्म मेरे अपने और गोमती के किनारे, इन दोनों में उनकी भूमिका मुख्य नायिका के ना होते हुए भी वास्तव में कहानी का सेंटर कैरेक्टर थी। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस मीना कुमारी आखिर ट्रेजेडी क्वीन के फ्रेम में कैसे फिट हो गई। साथियों, दरअसल हुआ कुछ यूं कि फिल्म मिस मैरी के निर्माता निर्देशक एलवी प्रसाद अपनी दूसरी फिल्म शारदा बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फिल्म का लीड रोल यानी कि शारदा का कैरेक्टर उसे करने से उस जमाने के सभी एक्ट्रेस ने मना कर दिया था, क्योंकि शारदा का किरदार निभाना आसान नहीं था। वर्ष 1957 में प्रदर्शित इस फिल्म में अभिनेत्री को राज कपूर की प्रेमिका के अलावा उनकी सौतेली माँ की भूमिका भी निभानी थी। देख क्या रहे हो बेटा, जाओ अपनी माँ के चरण छुओ। शायद इसलिए ही सभी अभिनेत्रियों ने इससे किनारा करना ही ठीक समझा होगा। तब मीना कुमारी ने ही इस रोल को स्वीकार किया था और अभिनय के नए आयाम दर्शकों के सामने रखा था। उन्होंने शारदा को इतनी अच्छी तरह जिया, इतनी अच्छी तरह निभाया कि कहिए कि वो लोगों को शारदा ही नजर आने लगी। इसी फिल्म के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब भी दिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि इसी फिल्म से उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का ताज भी हमेशा के लिए मिल गया। वैसे उनकी तमाम बड़ी और हिट फिल्मों में से कई नाम तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन जब भी जिक्र शाही बीवी और गुलाम या फिर पाकीज़ा का आता है, सुना ही गया कि इन फिल्मों में मीना जी अपने पर्सनल लाइफ को ही जी रही थी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज़्यादा शाइन कर रही थी, लोग कहते हैं उनके पर्सनल लाइफ में उतना ही ज़्यादा अंधेरा उतरता जा रहा था। पर्दे पर परफेक्ट मीना की लाइफ में कुछ भी तो परफेक्ट नहीं मिला था। जब चाहा दिल को समझी, हंसने की आवाज़ सुनी, जब चाहा दिल को समझी, हंसने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई कहता हो ले फिर तुझको मात मिली, जैसे कोई कहता हो ले फिर तुझको मात मिली। मातें कैसी घातें क्या, मातें कैसी घातें क्या, चलते रहना आठ पहर, मातें कैसी घाते क्या, चलते रहना आठ पहर, दिल सा साथी जब भी पाया, दिल सा साथी जब भी पाया, बेचैनी भी साथ मिली, बेचैनी भी साथ मिली। वैसे गमों से उनका नाता तो जन्म से ही था, पैदा होते ही जो जख्म मिला था वो शरीर से बेशक हट गया हो, जीवन से जा नहीं पाया। पहले पिता ने अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया, फिर घर तो लाई गई, मगर 4 साल की उम्र से ही ना चाहते हुए भी फिल्मों में काम करना पड़ा था। मात्र 13-14 साल की उम्र में लीड एक्ट्रेस के रूप में काम करने लगी थी मीना, ताकि परिवार का खर्च उठा सकें और फिर परिवार के लिए छोटा सा बंगला भी खरीद लिया था।
उस 14 साल की लड़की को लगा था शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून है कि तभी साल 1947 में एक लंबी बीमारी के बाद उनकी माँ का निधन हो गया और मीना इस कम उम्र में माँ के बिना अकेली रह गई। दर्द अपनी जड़ें जमा रहा था और मीना बेचैनियों में खुलती जा रही थी। जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो जिंदगी कहाँ रही। मीना ने जो बंगला खरीदा था उसमें एक छोटा सा गार्डन भी था जहाँ बैठकर अक्सर तीनों बहनें वक्त बिताया करती थी, ताश खेलती और थोड़ी गपशप, थोड़ी चहलबाजियों से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। सुकून की तलाश के लिए भी इस गार्डन में बैठना मीना को बहुत पसंद था, मगर उनके पिता को ये भी रास ना आया। एक दिन उन्होंने मीना को इस बात के लिए भी बुरी तरह से डांट लगाई। उनका कहना था कि यह वक्त की बर्बादी है, तुम्हें केवल अपने एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, उसे निखारने के बारे में सोचना चाहिए। मीना ने गार्डन में बैठना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे काम और शूटिंग के अलावा वो अब केवल कलम के साथ रह गई थी। ये रात ये तन्हाई ये दिल के धड़कने की आवाज़, ये रात ये तन्हाई ये दिल के धड़कने की आवाज़, ये सन्नाटा ये डूबते तारों की खामोश गज़ल कहानी, ये सन्नाटा ये डूबते तारों की खामोश गज़ल कहानी, ये वक्त के पलकों पर सोती हुई वीरानी, ये वक्त के पलकों पर सोती हुई वीरानी। अनगिनत फिल्मों में असफल प्रेम को निभाती पर्दे पर दर्द में डूबी हुई नायिका मीना कुमारी असल जिंदगी में भी दर्द में डूब गई। उनकी जिंदगी के लिए खुदा शायद खुशियां लिखना भूल गया था। बहरहाल पिता के कहे अनुसार एक्टिंग पे फोकस करती मीना आगे बढ़ रही थी। तभी लाइफ में एक जबरदस्त टर्न आया। एक बार तमाशा मूवी के सेट पर अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि ने मीना कुमारी की मुलाकात उस वक्त के मशहूर राइटर और डायरेक्टर कमाल अमरोही से करवाई। कमाल अमरोही तब तक मीना के बारे में, उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके थे, काफ़ी कुछ जानते थे, मगर मुलाकात आज पहली बार हुई थी। वो मीना से बहुत इम्प्रेस हुए और तभी उन्होंने अपनी अगली फिल्म अनारकली में मीना को लेने का फैसला कर लिया। कह सकते हैं कि उन्होंने मीना को तभी का तभी अनारकली के लिए साइन कर लिया। मगर मीना को उनसे मिलकर कई साल पुरानी एक घटना याद आ गई जो अब भी उनके दिल में कहीं चुभती थी। आखिर क्या थी वो घटना जो कमाल अमरोही से जुड़ी थी, जबकि मीना आज पहली बार कमाल से मिल रही थी। बात करूंगी इसके बारे में भी, साथियों उनके पर्सनल लाइफ के बारे में और भी बातें होंगी अगले एपिसोड में। आप बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स पर। नमस्कार।